नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज हमारे साथ जो गाड़ी है वो है अशोक लैंड की पार्टनर सुपर 1114 एचएल ट्रक। अभी मार्केट में बहुत सी गाड़ी आपको मिलती है, बट इस गाड़ी के बारे में बहुत ही कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि अभी ये अशोक लैंड की नई पेशकश है और इसे लॉन्च हुए बस कुछ ही महीने हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के कैबिन की। इसमें आपको डे केबिन मिलता है, जिसमें D+2 यानी कि ड्राइवर के साथ दो लोग इसमें आराम से सफर कर सकते हैं। कैबिन का जो फ्रंट डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है वो बहुत बढ़िया है। अशोक लैंड की शानदार बैजिंग मिल जाती है, साथ ही साथ अशोक लैंड का शानदार लोगो मिल जाता है। और इसमें आपको मिलते हैं हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प। यहाँ पर एक क्लियर लेंस हेडलैम्प आपको दिया गया है और यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया गया है। इस गाड़ी के फ्रंट साइड में आपको सिंगल पीस बंपर मिलता है। इस गाड़ी के फ्रंट सेफ्टी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर FUPS ने की फ्रंट अंडरआर्म प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। साइड से गाड़ी का जो डिजाइन इस प्रकार दिखता है। यहाँ पर डोर पर आपको पार्टनर सुपर की बढ़िया सी बैजिंग मिल जाती है। अब इस गाड़ी के इंजन के बारे में जानते हैं। इस गाड़ी में आपको मिलता है अशोक लैंड कंपनी का ZD30 इंजन, जो IGN 6 टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन है। ये इंजन इस गाड़ी को 140 HP की पावर देता है 360 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, यानी कि आपको पावर में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली है। अब जानते हैं इस गाड़ी के GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट के बारे में। इस गाड़ी का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है ये 11,280 यानी कि 11,280 किलोग्राम के इसमें आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिल जाता है। और इस गाड़ी की जो पेलोड कैपेसिटी है ये 7.5 यानी कि 7,500 किलो की है। साइड में आप देखिए लोड बॉडी की जो क्वालिटी वो भी काफी बढ़िया है। रियर मोस्ट लेफ्ट साइड में इसका स्पेयर व्हील माउंट किया गया है और ये इसका रियर एक्सल है। रियर एक्सल पर आपको लिफ्ट सस्पेंशन मिल जाता है। रियर साइड में आपको अशोक लैंड की बढ़िया सी बैजिंग मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर हिंदुजा ग्रुप का लोगो है। और इस गाड़ी के रियर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो रियर सेफ्टी बनी रहती है और ड्राइवर को गाड़ी को रिवर्स करते समय भी मदद होती है। गाड़ी के एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक गार्ड भी दिया है, जिसे हम रियर अंडरआर्म प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। इस गाड़ी में आपको 4 लोडिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, 14 फीट, 17 फीट, 20 फीट और 22 फीट, जिसे आप अपने एप्लीकेशन के अनुसार चूज कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है ये फुल्ली बिल्ट ऑप्शन और दूसरा एक CBC यानी कि कैबिन विद चेसिस ऑप्शन। अगर आप रेडी टू यूज गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप इसे फुल्ली बिल्ट ऑप्शन में खरीद सकते हैं। रात में गाड़ी की सेफ्टी बनी रहे इसीलिए यहाँ पर साइड मार्कर लैंप्स भी दिए गए हैं। अब जानते हैं इसके फ्यूल टैंक ऑप्शन के बारे में। इस गाड़ी में आपको 2 फ्यूल टैंक ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहला है 90 लीटर और दूसरा है 185 लीटर। इसमें जो एडब्लू टैंक मिलता है ये 20 लीटर का आपको मिल जाता है। साइड में भी आपको गार्ड मिल जाता है, जिसे हम साइड अंडररन प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। चारों साइड से आपको गार्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की सेफ्टी बनी रहती है। अब जानते हैं इसके टायर साइज के बारे में। इसमें आपको 16 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको 6 बोल्टेड व्हील्स मिलता है। ब्लैक कलर में इसका रिम दिया गया है। ये लो सियारा टायर से रोलिंग रेजिस्टेंस भी इसका कम होता है और गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाती है। जितनी गाड़ी बाहर से बढ़िया लगती है, अंदर से उससे भी ज्यादा बढ़िया है। इसके कैबिन फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसका शानदार कैबिन। कैबिन में आप बड़ी आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि और इसमें यहाँ पर हैंडल दिया गया है। कैबिन की हाइट भी अच्छी खासी है। कैबिन में आपको काफी बढ़िया इंटीरियर मिल जाते हैं। आपको अशोक लैंड कंपनी का 2-स्पोर्ट स्टीयरिंग भी मिलता है। लगता नहीं कि ये एक ट्रक का स्टीयरिंग है, बिल्कुल कार जैसी फीलिंग आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। इस गाड़ी में आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, साथ ही साथ डैशबोर्ड डिजाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है और काफी अच्छा कलर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि बेज कलर और ग्रे कलर में काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिल पाता है। पार्टनर सुपर की सबसे बढ़िया बात कि इसमें आपको AC ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि एयर कंडीशनिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी ये नॉन AC वेरियंट है, तो इसमें आपको ब्लोअर भी मिल जाते हैं। आप इसकी मदद से ब्लोअर को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बढ़िया सी स्पेसिंग मिल जाती है। अगर आप इसमें AC ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर AC के 3 कंट्रोल्स आते हैं। यहाँ पर आपके लिए आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम प्लेस करने के लिए जगह दी गई है। अगर आप चाहे तो छोटा म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक बड़ी स्क्रीन भी फिट कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें म्यूजिक सिस्टम फिट करवा सकते हैं। ट्रक जब शोरूम से निकलता है तो बहुत सारे लोग इसे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज फिट करवाते हैं। इनके लिए यहाँ पर डमी स्विचेस के लिए प्रोविजन दिया गया है, कि काफी इजीली एक्सेसिबल है। यहाँ पर पहला स्विच आप देख सकते हैं, ये पार्क रीजनरेशन का बटन है, जिसकी वजह से आप रीजनरेशन प्रोसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बगल में है EB यानी कि एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन, और इसे आप जब घाट वगैरह में चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हजार लैंप का बटन मिलता है, जिसकी वजह से जो चारों इंडिकेटर्स इसके वो ऑन हो जाते हैं। ब्लोअर का यहाँ पर कंट्रोल स्विच मिलता है। अगर आप इसमें AC वेरियंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 नॉब मिल जाते हैं। नॉन AC वेरियंट में यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लोअर मिलता है और ब्लोअर का स्विच इस प्रकार दिया गया है। लेफ्ट साइड में प्रेस करने के बाद ये लो मोड में चलेगा, राइट साइड में हाई मोड में चलेगा। ब्लोअर का प्रेशर आप देख सकते हैं, मतलब काफी अच्छी खासी हवाएं देता है। कैबिन में काफी अच्छा इन्वेस्ट लेवल यहाँ पर मिल जाता है। ड्राइवर को जो व्यू है इस प्रकार दिखता है। यहाँ पर आपको मिलता है एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है, इसके नीचे फ्यूल लेवल गेज है, इसके साइड में RPM मीटर और इस साइड में ऑयल टेम्परेचर गेज आपको मिल जाता है। इस प्रकार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है। काफी बेहतरीन स्टाइलिंग यहाँ पर की गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ पर वार्निंग लाइट्स मिलते हैं आपको और इसके नीचे MID दिया गया है। MID में आप बहुत सारी जानकारी देख सकती है, जैसे कि एयर प्रेशर, एडब्ल्यू लेवल, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और साथ ही साथ
इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी देख सकते हैं। स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट बटन दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी का एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए। और इस गाड़ी में कन्वीनियंस फीचर आपको काफी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पर एक ग्लोव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। इसका फ्यूज बॉक्स यहाँ पर नीचे दिया गया है। इस गाड़ी में दो स्टॉपर भी मिल जाते हैं जिसकी वजह से पार्किंग कंडीशंस में से रोक सकते हैं। कैबिन के कन्वीनियंस फीचर की अगर हम बात करें तो ड्राइवर के लिए यहाँ पर एक सनविजर दिया गया है जिसकी वजह से ड्राइवर की आंखों में धूप नहीं जाएगी। यहाँ पर एक आयर वेन मिल जाता है, यहाँ पर एक हेलोजन लाइट आपको मिल जाता है जिसकी वजह से कैबिन में रात के समय में रोशनी की दिक्कत नहीं होगी। इस गाड़ी में आपको वैबको कंपनी की ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। पार्किंग ब्रेक का जो लीवर है आप यहाँ पर देखिए, ड्राइवर के साथ साथ यहाँ पर दो लोग बैठ सकते हैं। काफी बड़ा और काफी वाइड कैबिन आपको मिलता है और ये वॉक थ्रू कैबिन है जिसकी वजह से आप इस साइड से उस साइड में काफी आसानी से जा सकते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर और एक जैक आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए इसके इंजन साउंड को सुनते हैं कि इसका इंजन साउंड बेसिकली कैसा है। काफी स्मूथ इंजन है और अंदर बहुत ही कम साउंड आता है, बहुत ही कम साउंड आता है, मतलब आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी ट्रक को चला रहे हो। इसका एनवीएस लेवल जो है काफी अच्छे से अशोक लैंड ने मेंटेन किया है। स्टीयरिंग इसका काफी स्मूथ है दोस्तों, मतलब मैं अभी इसके जगह पे इसे टर्न कर रहा हूँ फिर भी बहुत ही कम एफर्ट इसमें लग रहा है। ट्रैफिक वगैरह कंडीशंस में आप इसे बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। आप जानते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में, अशोक लैंड पार्टनर सुपर में आपको 8 से 8.5 किलोमीटर प्रति लीटर का बढ़िया माइलेज आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। इसी के साथ साथ एडब्ल्यू कंजम्पशन की अगर बात करें तो इसमें 100 लीटर पर यह गाड़ी 3 से 3.5 लीटर तक एडब्ल्यू कंजम्पशन करेगी, यानी कि 3-4% इसका एडब्ल्यू कंजम्पशन है। ये गाड़ी IGR प्लस SCR यानी कि मिड नॉक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है और IGN6 एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है अशोक लैंड की तरफ से। अब जानते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। देखिए प्राइसिंग फैक्टर जो है ये आपके राज्य में अलग अलग हो सकता है क्योंकि इस गाड़ी में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि 14 फीट 17 फीट 20 फीट 22 फीट, आपको चार ऑप्शंस मिल जाते हैं तो हर वेरिएंट की कीमत अलग अलग होगी। और इसी के साथ साथ प्राइसिंग रेंज की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है ये 20 से 22 लाख यानी कि 20-22 लाख तक जाती है। ये कीमत आपके राज्य में ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि आपके राज्य में टैक्सेस कितने लगते हैं, साथ ही साथ आपके यहाँ पर क्या आपको ऑफर मिलता है, इस हिसाब से इसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। एक शोरूम प्राइस रेंज जो है आपको मैंने बता दी है। और अगर आप इस गाड़ी को नासिक महाराष्ट्र में खरीदना चाहते हैं ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड संपर्क कर सकते हैं। अशोक लैंड कंपनी का ये ऑथोराइज डीलरशिप है, यहाँ पर आप आ सकते हैं गाड़ी परचेस कर सकते हैं। अशोक लैंड पार्टनर सुपर को आप कई सारे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, FMCG, बेवरेजेस, ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड एप्लीकेशन, LPG सिलेंडर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, पोल्ट्री एप्लीकेशन है, डेयरी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ टेक्सटाइल एप्लीकेशन में गाड़ी यूज हो सकती है, कंस्ट्रक्शन से लेकर ई कॉमर्स तक ये बहुत सारे एप्लीकेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको CVC ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि कैबिन विद AC ऑप्शन मिलता है। अगर आपको फर्स्ट देसी गाड़ी को यूज करना है, एप्लीकेशन को यूज करना है तो आप इसे फुल्ली बिल्ट ऑप्शन में ले सकते हैं। ये हाई साइड डेक बॉडी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये था 20 फीट वेरिएंट, बट इसके अलावा CVC ऑप्शन के साथ आप कई सारे एप्लीकेशन में इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। ये था अशोक लैंड पार्टनर सुपर के बारे में एक डिटेल वीडियो। आई होप आपके जो सभी डाउट्स होंगे इस गाड़ी के बारे में वो मैंने क्लियर करे होंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में डीलरशिप का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। ये जो फोन नंबर है ये सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए अवेलेबल है। पार्टनर के अलावा आप चाहे इकोमेट या कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।